तो चलिए गाइस अब इसको ओपन करके देखते हैं इस प्लास्टिक के पैकेट में कौन सा एंटीक कॉइन्स मिलता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करेंसी कलेक्टर पे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाले इस प्लास्टिक के पैकेट के भीतर क्या है। तो गाइस इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग बोलेंगे करेंसी कलेक्टर भाई ये क्या है, इसके भीतर आप लोग क्या रखे हैं। तो थोड़ा सा गाइस इसके बारे में स्टोरी बता देता हूँ कि क्या हुआ। तो गाइस कल रात को मैं थोड़ा सा खोजबीन कर रहा तो मेरे दादाजी ने कहा था कि तुमको स्टोर रूम के भीतर ऊपर में तुमको कॉइन्स देखने को मिल सकता है, बट गारंटी नहीं है मिलेगा या नहीं। तो गाइस ऊपर में गया तो स्टोर रूम में चेक किया, तो ऊपर जिसको लट्टान बोलता है इसको, तो उसके वहाँ पे मैं चेक करने गया। तो मैं चेक किया तो वहाँ पे थोड़ा सा हटा हटा के सामान को देखा, टाइम लगा आधा घंटा ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मेरे को ये कॉइन्स मिले। मतलब अभी तक मैंने कॉइन्स को खोल के नहीं देखे कौन कौन से कॉइन्स है। तो देखिए गाइस क्या मिलता है, कौन से कॉइन्स के भीतर क्या एंटीक कॉइन्स भी मिल सकते हैं और कौन से डिनोमिनेशन के कॉइन्स है ये भी देखेंगे। तो चलिए गाइस जल्द से इसको खोल के देखते हैं कौन कौन से कॉइन्स है। गाइस खोलने के बाद कुछ इतने सिक्के देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे 70 या फिर 70 से ज़्यादा ही सिक्के होने चाहिए जैसे देखने में लग रहा है। और चलिए गाइस देखते हैं कौन कौन से डिनोमिनेशन के कॉइन्स है। यहाँ पे गाइस मेरे को गिनने के बाद सारे 1 रुपए के सिक्के देखने को मिल रहे हैं। जो कि गाइस थोड़ा सा अजीब बात है कि इसमें इस प्लास्टिक के पैकेट में सारे 1 रुपए के सिक्के हैं। और यहाँ पे आपको कमेमोरेटिव कॉइन्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसको मैं बाद में वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे गाइस काउंट करके देखते हैं यहाँ पे कितने कॉइन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A few moments later 95 96 97 98 99 100। खोलने के बाद यहाँ पे मेरे को कुछ पैकेट्स से सारे 1 रुपए के सिक्के देखने को मिल जाते हैं और कुछ कमेमोरेटिव कॉइन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ पे सारे जो सिक्के हैं मेरे को लगता है यहाँ पे कॉपर निकल के 6 ग्राम वाले सिक्के हैं, वहाँ यहाँ पे शायद सारे सिक्के होंगे कुछ सिक्के को छोड़ के जो कि रेयर है। तो देखते हैं गाइस कौन कौन से ईयर को मिलते हैं, फिर ये वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये सारे कॉइन्स को ईयर वाइज रखा है और देखते हैं इसमें से कौन कौन से ईयर के कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे गाइस देखने को मिल जाता है 1983 का कॉइन, 1984 और ये 1985, और ये 1985 का नेशनल यूथ ईयर का कमेमोरेटिव कॉइन, ये 1986, ये 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 का फूड एंड न्यूट्रिशन वाला कमेमोरेटिव कॉइन। इस पैकेट में गाइस मेरे को टोटल 2 कमेमोरेटिव कॉइन्स मिले हैं जो कि नेशनल यूथ ईयर वाला है और फूड एंड न्यूट्रिशन वाला कॉइन है। सबसे हैरानी वाली बात ये कि गाइस उस पैकेट में टोटल 100 कॉइन्स थे और सारे के सारे 1 रुपए के थे जो कि बने हुए गाइस कॉपर निकल के और सारे के सारे 6 ग्राम के हैं। तो गाइस इन कॉइन्स को देखने के बाद गाइस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत खुश हूँ आज मैं कि मेरे को इतने सारे कॉइन्स मिले, वो भी सारे 1 रुपए के। और इतने सारे कॉइन्स गाइस मेरे पास आगे 1 रुपए के इतने सारे कॉइन्स कलेक्शन में नहीं थे, तो मेरा कलेक्शन 1 रुपए का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है जिसमें मेरे को कुछ 1 रुपए के कॉपर निकल के कमेमोरेटिव कॉइन्स कलेक्ट करना है। और गाइस आप लोग चाहे तो गाइस मैं खुशी को 2 गुना कर सकता हूँ बस उस लाइक बटन को टिप के। और अगर आपके साथ भी गाइस कोई ऐसा ही इंसिडेंट हुआ हुआ है और आप लोग स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या मिला था आप वो भी बता सकते हैं। इस करेंसी से रिलेटेड अमेजिंग और इंटरेस्टिंग डिटेल्ड और एनालाइज वीडियोस के लिए गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल में कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई फ्यूचर में फॉरेन और इंडियन कॉइन्स रिलेटेड ऐसे वीडियोस लेके आएँ आपके पास सबसे पहले ज़रूर जाएँ। थैंक यू गाइस।